सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की AATS टीम ने दो ऐसे वाहन चोरों को दबोचा है जो छोटी और सस्ती गाड़ियों की तरफ देखते ही नहीं थे, केवल और केवल पुश बटन से स्टार्ट होने वाली लग्जरी कारों को ही निशाना बनाते थे। आरोपी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिल्ली व यूपी से लग्जरी कारें चुराकर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बिहार समेत कई राज्यों में बेच देते थे। आरोपियों की पहचान 40 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ अमित उर्फ महेश व 24 वर्षीय केशव उर्फ भानु के रूप में हुई है। दोनों इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपी कुछ सालों में पुश बटन से स्टार्ट होने वाली 500 से ज्यादा लग्जरी कारें चुरा चुके हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की कार, 8 रिमोट की चाबियां, 2 स्क्रू ड्राइवर, 3 लॉक सेट और 2 सरौता बरामद किया गया है। दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने ऑपरेशन संरक्षण के तहत दिल्ली NCR में वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने व ऑटो लिफ्टरों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए मनोज सिन्हा, ACP ऑपरेशंस की देखरेख व AATS प्रभारी राम कुमार के नेतृत्व में ASI विनोद कुमार, राजीव कुमार हेड कांस्टेबल प्रवीण, श्रवण धीर कांस्टेबल मनोज, अमित कुमार और मोहित की एक विशेष टीम का गठन किया। AATS प्रभारी रामकुमार की टीम ने सबसे पहले जिस जगहों से गाड़ियां चोरी हुई थी उन जगहों के CCTV फुटेज व मोबाइल का डैम डाटा एकत्रित किया। साथ ही टीम सेम मोडस ऑपरेंडी के आरोप में जेल से रिहाई व जमानत पर छूटे ऑटो चोरों पर भी नजर रखे हुए थी। टीम ने दिल्ली NCR में अलग अलग जगहों से चोरी हुई कारों के क्राइम सीन के रूट पर पड़ने वाले सभी कॉर्नर्स, मल्टीपल टर्न्स, मकानों, दुकानों, बस स्टॉप और रेड लाइट पर लगे लगभग 1000 से अधिक CCTV फुटेजों को खंगाला। CCTV फुटेजों को बारीकी से खंगालते टीम की आंखें सूज गई। CCTV फुटेज से टीम को आरोपियों के खिलाफ पहला ब्रेक थ्रू मिला। आरोपी इतने शातिर थे कि वाहन चोरी के समय अपने पास मोबाइल फोन नहीं रखते थे, इसलिए टीम को मोबाइल डैम डाटा से कुछ नहीं मिला, लेकिन क्राइम सीनों के पास लगे CCTV कैमरों से दो सस्पेक्टों की पहचान हो गई। AATS प्रभारी रामकुमार ने दोनों सस्पेक्टों को दबोचने के लिए दिल्ली NCR में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। आखिरकार टीम के हाथों सफलता लग ही गई। टीम को एक मुखबिर से सस्पेक्टों का मोबाइल नंबर मिल गया। टीम ने तुरंत मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया, साथ ही मोबाइल पर आने जाने वाली कॉल को भी सुनने लगी। मोबाइल सर्विलांस से टीम को पता चला कि दोनों सस्पेक्ट ऑटो लिफ्टर 15 मई को चोरी की सफेद टाटा हैरियर कार में सराय काले खां से मथुरा रोड होते हुए आगरा जाएंगे। AATS प्रभारी रामकुमार की टीम ने मदनपुर खादर लाल बत्ती के पास जाल बिछाया। कुछ देर बाद एक सफेद टाटा हैरियर कार आश्रम की ओर से मदनपुर खादर लाल बत्ती की ओर आती दिखाई दी। टेक्निकल टीम ने सस्पेक्ट कार की ओर इशारा किया। टीम ने चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस टीम को देखकर कार की स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की। टीम ने बैरिकेड्स की मदद से कार को रोका और दोनों को दबोच लिया। कार के मालिकाना हक के बारे में पूछने पर दोनों सस्पेक्ट कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके। मौके पर मौजूद टीम को जीपनर पर चेक करने पर आरोपी जिस कार में घूम रहे थे वो इंदिरापुरम गाजियाबाद इलाके से चुराए पाई गई। आरोपियों की पहचान 40 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ अमित उर्फ महेश पुत्र राज बहादुर व 24 वर्षीय केशव उर्फ भानु पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई है। दोनों इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी निशानदेही पर 4 लग्जरी कारें बरामद की गई। दोनों आरोपी शराब व ड्रग्स लेने के आदी हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली NCR व UP से लग्जरी कारें चुराकर बिहार आदि राज्यों में भेजते थे। आरोपी भूपेंद्र इटावा यूपी का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ हत्या, डकैती व रॉबरी के 24 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी केशव के खिलाफ गेम्बलिंग एक्ट का एक मामला दर्ज है। ये इटावा में एक दुकान में टेक्नीशियन का काम करता था। पूछताछ में आरोपियों ने आगे बताया कि वो केवल लग्जरी कारें ही चुराते थे और अभी तक 500 से ज्यादा लग्जरी कारें चुरा चुके हैं। आरोपियों ने बताया कि पुश बटन से स्टार्ट होने वाली कारों की साइड शीशे पर एक विन नंबर होता है। ये विन नंबर को पैड मशीन से स्कैन कर लेते थे और इसके बाद ये कार को डिकोड कर लेते थे। डिकोड होते ही कार का दरवाजा खुल जाता था। इसके बाद ये कार को पुश बटन से स्टार्ट करके ले जाते थे। ये इटावा यूपी से बस में आते थे और नोएडा उतरते थे। नोएडा उतरने के बाद ये दिल्ली NCR में कारें चोरी करते थे। कार को चुराकर से पार्किंग में खड़ा कर देते थे। एक दो दिन में ये पार्किंग से कार को ले जाते थे। आरोपी कार पर फर्जी नंबर प्लेट लाकर बिहार व अन्य राज्यों में बेच देते थे। इनके कब्जे से 5 चोरी की कार, 8 रिमोट की चाबियां, 2 स्क्रू ड्राइवर, 3 लॉक सेट और 2 सरौता बरामद किया गया है। टीम आरोपियों के सहयोगियों को दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस।
और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।